जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल में होंगे, सबके ज़िंदगी में हंसी और खुशी भरपूर रही होगी। तो मेरा भी कुछ इस तरह से कट रहा है समय। तो आप सभी को तो पता है कि आज क्या पर्व है। उड़ीसा का सबसे बड़ा पर्व है प्रथमाष्टमी। प्रथमाष्टमी का मतलब ये होता है जो घर का बड़ा संतान होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनको आज पूजा किया जाता है। मतलब उनके लिए नया कपड़ा खरीदा जाता है और उनके लिए बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं घर में। जैसे सब भगवान के लिए जैसे पीठा होता है, आपको सब पता होता है, उड़ीसावासी को सब पता होता है। आज बहुत वेराइटी के पीठा बनते हैं। जैसे अभी बिहारी लोगों को क्या होता है, जो उनका पर्व अब गया छठ पर्व, कैसे बहुत सारे पकवान बनते हैं ना, तो उसी तरह से हमारे उड़ीसा में भी इस तरह से बहुत सारे पिठा बनता है, जिससे नारियल, उड़द का दाल और चावल और ऐसे सूजी, ऐसे बहुत सारे मिश्रण से बहुत सारे पकवान बनते हैं जो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। तो हमारे घर में ऐसा कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं होता, क्योंकि हमारे घर में प्रथमाष्टमी है ही नहीं। मतलब हमारे पूर्वजों से नहीं है, प्रथमाष्टमी का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। हमारे घर में कोई नया कपड़ा नहीं पहनता, ना ही आज इतने सारे उत्सव पालन किया जाता है, कुछ नहीं होता है। कोई गम नहीं जिनके घर में नहीं होता है। हमारे घर जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में ये पालन नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, तो हम ऐसे ही खुश हैं। और आज दो पर्व है, आज सिर्फ प्रथमाष्टमी नहीं है, आज संक्रांति भी है। तो इसीलिए मैं मंदिर अभी गई थी, मंदिर से अभी लौट रही हूँ। सुबह से ना भाग दौड़ बहुत सारा काम हो रहा है। सुबह से सब कुछ रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो देखिए, मैं उसी मंदिर से आई, प्रसाद देखिए, मेरे तो पसीने छूट रहे हैं क्योंकि अभी अभी मैं मंदिर से आ रही हूँ चल चल कर। तो देखिए मेरी हालत, कितने पसीने छूट रहे हैं। तो प्रसाद देख लीजिए, ये बहुत गर्मी लग रही है। देखिए आज मैंने ये हम लोगों का यहाँ का फेमस बनाया जाता है ब्रह्मपुर एरिया में, उड़ीसा का ब्रह्मपुर दक्षिण उड़ीसा में, इसको मुआ बोलते हैं। बहुत टेस्टी होता है ये। और ये मैंने शिव जी के मंदिर में नारियल थोड़ा था, थोड़ा सा चंदन भी लेकर आ गई हूँ। मैं रोज़ लगाती हूँ चंदन। और ये सब मैंने प्रसाद भोग किया था। ये हनुमान जी का भी भोग है। तो ये शिव जी का भोग प्रसाद था, ये हनुमान जी का प्रसाद है। थोड़ा सा खा लेते हैं। बहुत टेस्टी होता है। बहुत टेस्टी। आप भी सबना से मंदिर आज गए होंगे, क्योंकि आज संक्रांति है। भारत के सब लोग सब जिला में पालन करते हो, और हमारे गांव में तो बहुत ही खास होता है। कल से ना सारे घर की धुलाई कर लेते हैं, बाहर में गोबर से लिपाई हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे रंगोलियां बनाया जाता है। बिल्कुल गांव में ना एक त्यौहार बन जाता है संक्रांति का दिन। अच्छा लगता है शहर से तो गाँव ना, ये पूजा के टाइम पे ना, जो गांव के जो जैसे अभी गया क्या, जैसे अभी कार्तिक महीने का गया, उस जब गया
सुबह का आरती, शाम का आरती लोग देखने के लिए पागल हो जाते हैं। चाहे टीचर हो, लेक्चर हो, गांव के खेती में काम करने वाले हो, चाहे दिन भर भी उन्होंने काम किया होगा ना, फिर भी रात के 3 बजे से उठ जाते थे, फिर नहाकर मंदिर चले आते थे आरती दर्शन करने के लिए, आरती का। फिर शाम को भी ऐसा होता था, दिन भर का थकान पूरा दूर हो जाता है। एक महीना ना बहुत अच्छा लगता है कार्तिक का महीना गांव में। शहर में ये कोई भागा दौड़ा मंदिर फंदिर इतना नहीं जाते हैं, मतलब गांव में जैसे कार्तिक महीना में ना पूरा गांव ना चलाता है मंदिर में, बहुत बढ़िया लगता है। मैं पहले, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, अभी के लिए बस मैं फल खा रही हूँ। जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज तो संक्रांति है तो इसलिए मैंने क्या क्या सब्जी बनाया देखिए। देखिए साग बनने बनाया है और सब्जी डाल डाल कर ना सब्जी बनाया है, और सफ़ेद चावल और खट्टा मीठा फल का खट्टा मीठा। अब खाना शुरू कर।